दोनों जन अपना कैमरा ऑन रखो प्लीज, क्योंकि सिर्फ हम लोग 3 जन ही है तो इट गेट्स वेरी वियर्ड लगता है. आई एम जस्ट टीचिंग द लैपटॉप. आज हम लोग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे सिंस हम लोग का फर्स्ट क्लास है. तो सबसे पहले तो आप लोग को ए सेट का पेपर पैटर्न पता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं पेपर में और क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. भाव्या, सिंस यू ऑलरेडी अपियर्ड वंस, वुड यू लाइक टू से क्या क्या होता है पेपर में? भाव्या, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग। टोटल में 70 क्वेश्चंस आते हैं एंड टोटल मार्क्स होते हैं 100. अब क्वेश्चंस कैन बी 1 मार्क ऑल्सो, 2 मार्क ऑल्सो एंड 3 मार्क्स ऑल्सो. जैसे इंग्लिश में हमेशा लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन आएगा और उसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. तो ऐसे करके मैथ्स, स्टैट्स 30 30 मार्क्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 का मार्क्स बहुत बड़ा. चेंज होता है कुछ रीजन से. इन 5ों में सबसे स्कोरिंग इज डेटा इंटरप्रिटेशन. मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन इज वन पार्ट कि अगर आपको चार्ट रीड करना आता है, जो हम लोग फ्यूचर क्लासेस में करेंगे अच्छे से, तो उसमें यू कैन स्कोर 10 आउट ऑफ 10 या 15 आउट ऑफ 15, जितने भी मार्क्स का है. मैथ्स स्टैट्स ऑब्वियसली सिंस इट्स एक्चुअरीज, मैथ्स स्टैट्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सिलेबस भी बड़ा है मैथ्स स्टैट्स का. इंग्लिश में इट्स मोस्टली स्पोकन इंग्लिश, वो आपको डेली में प्रैक्टिस करते रहना होगा. यू कैन गो थ्रू, हम लोग आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड स्पोकन इंग्लिश रहेगा, फ्रेजल वर्ब्स रहेगा, वर्ब्स एंड ऑल रहेगा. तो इंग्लिश भी ऐसे जनरल है, देर इज नथिंग, देर इज नो सेट सिलेबस फॉर इंग्लिश, जो आपको वही करना है और उसी से आएगा. ये लिटरेचर जैसा नहीं है कि ये चैप्टर्स पढ़ लिया और इसी से आएगा. इट्स लैंग्वेज एंड इट्स कॉम्प्रिहेंशन, तो सब कुछ आएगा. लॉजिकल रीजनिंग अगेन, ये इसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं, बट जो क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, तो उसको हम लोग को प्रैक्टिस से ही करना होगा. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एलआर का क्वेश्चंस वंस यू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू विल बी गुड टू गो. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ से. द वेरी बेसिक्स ऑफ मैथ्स, फर्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ. आप लोग दोनों का आई थिंक 11th 12th में मैथ्स रहा होगा. तो जो मैथ्स है ए सेट का, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हैं, थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज वेरी बेसिक. एंड 11th 12th से आप लोग अगर जस्ट आए हो या 11th 12th का आपको कॉन्सेप्ट पता है, देन इट वॉन्ट बी अ वेरी बिग डील. तो राउंडिंग ऑफ, आई एम श्योर आप लोग को पता है कि डेसिमल प्लेसेस होते हैं, पॉइंट के इस तरफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं एंड इस तरफ नहीं होते हैं. तो इफ सपोज आई गिव यू अ नंबर से 6.028, ये कितना डेसिमल प्लेसेस है? इधर ऑफ यू कैन आंसर. 3 3 डेसिमल प्लेसेस है. इफ आई से कि दिस इज 3 डेसिमल प्लेसेस, इफ आई से कि आई वॉन्ट इट 2 डेसिमल प्लेसेस में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्चुअलीज में बहुत बार अमाउंट्स में काम करेंगे, जो मतलब फिगर्स इन अमाउंट्स, जैसे रुपीज हो गया या पाउंड्स हो गया, डॉलर्स हो गया, तो यूजुअली ये सब अमाउंट्स में ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस यूज होते हैं. तो अगर इस
सेम नंबर को आई आस्क यू टू राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो वो आप कैसे करोगे? Now it would amount to 6.03. वेरी गुड। तो क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का रूल्स हम लोग इस साइड लिखेंगे। राउंडिंग ऑफ में अगर आपका नेक्स्ट डिजिट जो है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन वी गो टू द नेक्स्ट नंबर, एंड इफ द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन वी लेट द नंबर रिमेन द सेम। तो यहाँ पे 6.02 था, दैट वॉज अ सेकेंड डेसिमल प्लेस, क्योंकि हम लोग को टू डेसिमल प्लेसेस तक करना था। तो वी विल सी कि जो नेक्स्ट डिजिट है विच इज 8, 8 वॉज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डिजिट में जाके 6.03 कर लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6.022 होता तो टू डेसिमल प्लेसेस में ये 6.02 ही रह जाता, बिकॉज जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज लेस देन 5, सो द नंबर विल रिमेन द सेम। और अगर सपोज ये 6.025 होता तो क्या होता थ्रू टू डेसिमल प्लेसेस? 6.03। वेरी गुड, इसका 6.03 होता। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ में, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, जहां पे मतलब सपोज टुडे यू कैन राइट 1 एज 0001, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो। ये 1 के पहले जो जीरोज हैं दीज आर इनसिग्निफिकेंट, विदाउट दीज जीरोज आल्सो यू कैन राइट 1। फॉर एग्जांपल अगर 200 है, 200 में बाद में जीरोज हैं, दीज आर नॉट इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर ये 2 जीरोज को आप हटा दोगे देन यू विल बी रिमेन विथ 2, बट 2 और 200 इक्वल नहीं होता है, तो इसीलिए नंबर के बाद जीरोज आते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो जीरोज आ रहे हैं दोज आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल्स हैं क्या होता है, इट बिकम्स ऑपोजिट, क्योंकि टुडे इफ यू राइट 1.000 दिस इज द सेम एज 1, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखे थे कि 1 के पहले जो जीरोज हैं दोज वर इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे 1 के बाद जीरोज है बिकॉज दे आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दे बिकम इनसिग्निफिकेंट। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक बार, सपोज से 6.0280 लेते हैं, इसको यू हैव टू राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये क्या होगा? सिक्स पॉइंट जीरो टू एट को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर करना है, ट्राई करो। ट्राई तो करो, कुछ तो बोलो। मैम वो फिर 6 पॉइंट हम 6 ही रह जाएगा ना, क्योंकि हाँ वहाँ पे हाँ तो 6 रह जाएगा ये। तो सिंस हम लोग को यहाँ पे लेकिन फिर भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि वो 2 रहे वी विल राइट इट एज 6.0, क्योंकि अगर हम लोग 6.02 करते तब तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाता बिकॉज ये 0 बीच में आ जाता। जैसे ही 0 बीच में आता है इट बिकम सिग्निफिकेंट। टुडे 6.007 में ये दोनों जीरोज बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप अगर ये दोनों जीरो को हटा के 6.7 लिखोगे देन दिस इज फार ग्रेटर देन 6.007, तो इसीलिए
अगर कभी भी ऐसा हो, बहुत बार होगा कि दे विल आस्क यू फॉर आंसर्स क्लोजेस्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या क्लोजेस्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि 6.0 लिखो, इवन इफ इट इज कम. अगर यहाँ पे सपोज 6.078 होता, तब क्या हो जाता टू सिग्निफिकेंट फिगर्स? आई थिंक अगेन 6.0. नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दिया, वी कैन नॉट फॉरगेट राउंडिंग. सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको राउंड करना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होगा, सो यू विल हैव टू राउंड इट डाउन या राउंड इट अप, जो भी होगा. तो यू विल चेक दिस नंबर, है ना? ओके तो यू विल चेक दिस नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए ये वाला नंबर क्या बन जाएगा? बोलो भागा. 6.1. वेरी गुड. तो ये 6.1 हो जाएगा. अब दोनों जन एक एग्जांपल सॉल्व करो. क्या होगा ये? भाव्या ट्राई करो. आई थिंक -0.40. वेरी गुड. और भाव प्रियांशु? मैम इट वुड बी -0.4. नहीं, मैं भाव्या इज करेक्ट. इट विल बी -0.40, क्योंकि डेसिमल के पहले जो जीरो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद ही देखेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 4 है. दिस यू कैन ऑल्सो राइट एज -0.40. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद ही, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज नॉन जीरो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत कॉमन मिस्टेक होता है. फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो. तो यहाँ पे अगर -0.4 है तो हम लोग के पास सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर बच जा रहा है, इसीलिए हम लोग 4.0 लिखेंगे. एक और एग्जाम्पल करो. टू थाउजेंड वन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा एक्चुअली ये छोड़ दो, ये ऐसा चीज उन लोग कभी पूछेंगे नहीं, बिकॉज ये सब सिर्फ बोलने के लिए होता है, बट ऑल दिस डजेंट मेक सेंस. कभी भी आप 2001 को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हमेशा 2000 ही रहेगा. उसमें से आप एक भी जीरो हटाना चाहोगे तो वो इट वॉन्ट मेक सेंस एनी मोर. बस ये लॉजिक लगा सकते हैं अगर कभी बाई चांस आए कि 2000, एक सेकेंड, कि 2001 को हम लोग को करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप बस उसको 2000 लिख दो और बोल दो कि ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट माने जा सकते हैं, बट इट इज ऑब्वियसली वेरी इनसेंसिबल टू डू. तो आई एम श्योर उन लोग कभी पूछेंगे भी नहीं ऐसा चीज, बट बाय चांस के लिए सिंस ये एक बार मटेरियल में आया था, जस्ट कीप दिस एग्जाम्पल इन माइंड कि कभी भी ऐसे चीज अगर आप लोग को मिले पेपर में या कहीं पे भी फर्दर एक्चुअलीज में, तो यू जस्ट नो कि ये ऐसे ट्रीट होता है. राउंडिंग और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है अब कि और एक दो एग्जाम्पल्स करना है? अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वी कैन इजीली डू मोर एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत टाइम है अभी हम लोग के पास. भाव्या तुमको लग रहा है जरूरत कि यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस टू थ्री मोर नंबर्स? नो, आई थिंक आई अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टूड? सो आप लोग को जब असाइनमेंट शीट मिल जाएगा, होपफुली नेक्स्ट क्लास के पहले तक असाइनमेंट शीट मिल जाएगा, उसमें देर विल बी अ फ्यू मोर सम्स ऑन राउंडिंग ऑफ. तो
तो वो आप लोग सॉल्व करके देखना, और उसमें अगर कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास वो ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू सम बेसिक नोटेशंस। फर्स्ट नोटेशन तो क्या होता है, आई एम श्योर आप लोग दोनों को सबको ही पता है, अगर स्कूल में हम लोग बचपन में ही मैथ्स में पढ़े थे कि होल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स होता है, रियल, इमेजिनरी, और क्या होता है, इंटीजर्स, पढ़े होंगे आप, सभी पढ़ते हैं ये स्कूल में। तो इनका हम लोग बहुत बार देखेंगे, अब दे विल नॉट से नाउ वी हैव स्टडीड इतना सारा मैथ्स इन लाइफ, तो दे विल नॉट से कि दिस इज एन इंटीजर, दिस नंबर इज एन इंटीजर, या एक्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। दे विल स्टार्ट यूजिंग लेटर्स, क्योंकि अब हम लोग को उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग के क्वेश्चन में रहेंगे, तो इसीलिए दे विल स्टार्ट यूजिंग लेटर्स टू रिप्रेजेंट। जैसे जेड अगर लिखा है, जेड रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स, तो अगर कभी भी बोलेगा एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब है कि एक्स विल ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज क्या होते हैं, इज 1.5 एन इंटीजर? व्हाई? No, it is a decimal or fraction. इट इज अ डेसिमल और फ्रैक्शन। तो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस कभी भी इंटीजर्स नहीं होंगे। इंटीजर्स विल ऑलवेज बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर्स है दैट आर नॉट डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। बट एक चीज है, ऐसे तो अगर हम लोग इस लॉजिक से जाएं तो 4/1 इज अ फ्रैक्शन, इज इट स्टिल एन इंटीजर? Yes. हाउ? आप तो अभी बोले कि फ्रैक्शंस कांट बी इंटीजर्स, डेसिमल्स कांट बी इंटीजर्स, We cannot convert into the decimal form. क्यों? लो ये भी कर दिया, कंडीशन ये होता है कि फ्रैक्शंस में जो p/q फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 1। अगर q 1 हुआ तो वो इंटीजर हो जाएगा, एंड p हैज टू बी एन इंटीजर, या p हैज टू बी अ होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, -2, -1, जीरो इंटीजर होता है। Yeah, it is integer, but वेरी neither गुड, positive nor negative. यस, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, फिर 1, 2 डॉट डॉट डॉट, आपका 999 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। अब एक और हम लोग देखते हैं, आर। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं और अनरियल नंबर क्या होते हैं? Real number include all rational, irrational, and unreal is complex number. रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एंड इरैशनल, बोली ना? Yeah. वेरी गुड प्रियांशु, आपको पता है ये सब रैशनल इरैशनल रियल नंबर्स? हाँ जी सुना मैम, सुना तो लग रहा होगा, इवन इफ हाँ जी नॉट मैम, हाँ जी कंप्लीटली। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इन रियल लाइफ, कर सकते हैं। अनरियल नंबर क्या हो गया, सपोज हम लोग √-5 निकाल रहे हैं, कभी भी स्क्वायर करने से हम लोग को माइनस नंबर मिल ही नहीं सकता, तो स्क्वायर रूट कैसे हो सकता है माइनस नंबर का? सो दिस इज अनरियल या फिर इमेजिनरी। बट √5 इज रियल, इवन दो इट विल नॉट कम आउट एज अ होल नंबर, √5
root 5 will never come out as a whole number. Like root 25 can come out as 5. Root 5 won't come out as a whole number, but it is still real. Kyunki wo possible hai hona. It is not an imaginary concept. So, aisa jo number hota hai, jo nikalne se, it will not give me a whole number. Ya fir, it will not give me a number jo determine ho sakte hai. Jaise ki agar calculator mein, ek second. कैलकुलेटर में एक बार रूट फाइव अगर हम लोग डालें तो जो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ नहीं रहा है कैमरा में, इट्स कमिंग 2.2360679 ऐसे करके नंबर्स आते जा रहे हैं. तो देर इज नो एंड टू इट, कितना भी नंबर डिजिट्स हो सकता है इसमें. तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रूट फाइव, तो इट इज इरेशनल. रैशनल नंबर्स आर ऑल नंबर्स जो इरेशनल नहीं है. एंड उसका फॉर्मल डेफिनेशन फॉर रैशनल नंबर्स, ये हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू is not equal to zero. क्योंकि अगर q equal to zero होगा तो फिर infinity हो जाएगा, है ना? क्योंकि anything divided by zero is equal to infinity. मतलब it is undefined. तो इसीलिए rational numbers are in the form p by q, where p and q are integers. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक सेकेंड रुक जाओ. सॉरी. हाँ, तो हम लोग कह रहे थे रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सपोज रूट फाइव बोलते हैं, तो ऐसे तो रूट फाइव को हम लोग रूट फाइव बाय वन लिख सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रैशनल. इट इज इरेशनल बिकॉज क्यू तो इंटीजर है, बट जो पी है दिस इज नॉट एन इंटीजर. रूट फाइव इज नॉट एन इंटीजर. सिमिलरली रूट थ्री अगर ली, रूट थ्री कितना होता है 1.73205 और ऐसे चलते रहते. तो इसीलिए रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल की इरेशनल. वेरी गुड. तो इट इज इरेशनल. तो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो गया और इमेजिनरी नंबर्स हो गया. तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई भी टाइप का डाउट इन तीनों में से कि ये नंबर है कि नहीं है, एनीथिंग दैट्स कमिंग टू माइंड? नहीं. होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो व्हाट? जीरो वन टू थ्री. तो मतलब ऑल इंटीजर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, राइट? तो होल नंबर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू यूजुअली. नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एन. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, इसमें जीरो नहीं होता है. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में ओनली डिफरेंस इज द जीरो. जीरो इज ऑल्सो होल, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है? उसके बाद ये सब मेनली
ये चार्ट हुई, आप लोग को काम आएगा आर, आर इज फॉर रेशनल रैशनल भी हो सकता है, बट यूजुअली आर इज फॉर रियल नंबर्स। बहुत बार आर को रैशनल भी मानते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन वन इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर कभी भी उन लोग ऐसे, आप लोग को रियल नंबर्स ही मानने हैं, यू हैव टू अज्यूम दैट आर इज रियल नंबर्स अंटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशनड वेयर आर इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आर कैन बी रियल नंबर्स इफ नथिंग मेंशनड। आप देखो कैसी ये सब सब इतना छोटा छोटा चीज है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन सिंस ए सेट इज कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे उन लोग चारों ऑप्शंस में ट्रिक लाते हैं, कि उन लोग को लगेगा कि जो भी कैंडिडेट है वो इसको कुछ और समझ के ये आंसर ला सकता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटा छोटा चीज पहले से हम लोग क्लियर कर पाए, ताकि आगे जाके जो हम लोग का सिलेबस है उसमें हम लोग को हर बार इसको रिविजिट नहीं करना पड़े। इट कैन बी रैशनल इफ मेंशनड। इसके बाद देर इज जेड, दैट इज इंटीजर्स। देर इज एन विच इज नेचुरल नंबर्स। देर इज डब्ल्यू होल नंबर्स। ये फोर सबसे कॉमन है। अब ये फोर में भी क्या होते हैं, बहुत बार आप लोग देखोगे कि आर प्लस लिखा हुआ है या फिर जेड माइनस लिखा हुआ है। तो जब ये ऊपर में प्लस आ जाते हैं या ऊपर में माइनस आ जाते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कभी ये लिख सकता है कोई? क्यों? क्यों नहीं लिख सकते नेचुरल एन? नंबर कांट बी नेगेटिव। वेरी गुड। तो इसीलिए एन माइनस हो ही नहीं सकता है कभी। ये दो चीज हो सकता है, आर माइनस भी हो सकता है, जेड प्लस भी हो सकता है। तो आर माइनस में क्या क्या आएगा? जितना भी रियल नंबर्स है दैट आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, कोई भी नंबर उठा लो लेफ्ट साइड ऑफ जीरो से जो इमेजिनरी नहीं हो, दैट विल कम अंडर आर माइनस। जेड प्लस क्या होगा? जीरो के राइट हैंड साइड में जितना भी इंटीजर्स है, विच मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया। नाउ देर आर सम लॉजिकल नोटेशंस। बस हर चीज को थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए दीज लॉजिकल नोटेशंस आर यूज्ड, बट एग्जाम्स में बहुत बार दे आर यूज्ड कि बच्चे को कंफ्यूज कैसे करें। बिकॉज जैसे आप देखते हो कि देर आर सो मैनी नोटेशंस एंड देर आर सो मैनी साइंस, यू टेंड टू गेट इंटिमिडेटेड बाय द क्वेश्चन कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, जबकि ऑल दे मीन टू से इज समथिंग एज सिंपल एज एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का सेट, बट दे विल यूज ऐसा ऐसा नोटेशंस एंड ऐसा ऐसा सिम्बल्स दैट यू विल थिंक कि पता नहीं इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे बेसिक नोटेशंस क्या होते हैं? ऐसे कोलोन होते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। सपोज अगर हम लोग बोले एक्स इज सच दैट इट इज अ रियल नंबर, तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट साइन क्या होता है? फॉर ऑल, ऐसे उल्टा एक ही तरह, ये नहीं यूज करेंगे। दिस साइन इज फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? अगर सपोज हम लोग बोलना चाहें फॉर ऑल एक्स, सपोज अगर हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल एक्स दिस इज ट्रू, कोई भी एक अगर हम लोग इक्वेशन लिख दे
एंड हम लोग बोलना चाहते हैं दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स या दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स. तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग सेइंग के टाइम तो हम लोग फॉर ऑल ही रीड करेंगे उसको, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर ऑल वी यूज दिस सिंबल. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज बिलोंग्स टू. इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? हम लोग सपोज बोलना चाहते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट इट बिलोंग्स टू एन. तो एक्स हम लोग का सिर्फ नेचुरल नंबर्स का वैल्यू ले सकते हैं, विच इज 1, 2, 3, 4 करके इन्फिनिटी तक. तो ये वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे. वी विल नॉट राइट दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट या फिर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे वी विल नॉट राइट. वी विल यूज दिस सिंबल x belongs to natural numbers. और क्या है? ब्रैकेट्स. टू टाइप का ब्रैकेट्स यूज करेंगे. दिस इज जो यूजुअल ब्रैकेट होते हैं एंड दिस इज द बॉक्स ब्रैकेट. अब इसका मतलब क्या है? इफ आई एम राइटिंग 3, 7 ऐसे, जब ये ब्रैकेट यूज होता है विच इज द कॉमन ब्रैकेट, इसका मतलब है इट डज नॉट इंक्लूड 3. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड कौन से नेचुरल नंबर्स, 3, 7 सपोज हम लोग ऐसा कुछ हम लोग को दिया हुआ है इंटरप्रेट करने के लिए, तो इसका मतलब कि एक्स के नॉट टेक द वैल्यू 3 क्योंकि उसके आगे ये वाला ब्रैकेट है कॉमन ब्रैकेट, बट एक्स कैन बी इक्वल टू 7 क्योंकि जब ये बॉक्स ब्रैकेट यूज होता है इट इंक्लूड्स द नंबर जो लिमिट के पास, टू लिमिट्स होते हैं हर चीज के लिए. अगर दिया हुआ है लिमिट्स, देयर विल बी अपर लिमिट एंड देयर विल बी अ लोअर लिमिट. यहाँ पे लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 7. तो लोअर लिमिट के पास में जो ब्रैकेट है दैट इज अ कॉमन ब्रैकेट, इट सिग्निफाइज कि द लोअर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज. लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट है या बॉक्स ब्रैकेट है, इट सिग्निफाइज दैट दैट लिमिट इज इंक्लूडेड इन द रेंज. क्या एक्स इक्वल टू 6 हो सकते हैं? एक्स इक्वल टू 6.5? No. क्यों? यहाँ तो 3 से 7 तक का लिमिट दिया हुआ है. X belongs to natural number. Very good. और 6.5 is not a natural number. ठीक है? तो ये ब्रैकेट्स का मतलब क्लियर हो गया. अब एक और चीज होता है विच इज इमेजिनरी नंबर. अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर देखें, इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्कूल्स में, मिडिल स्कूल में इसके ऊपर बहुत लंबा चैप्टर होता है जो ऐसे आज सच काम नहीं आते, बट फिर भी टू जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट, हमेशा दे आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1. हम लोग को पता है कि कभी भी रूट ओवर माइनस हो नहीं सकते, बट आई को ये वैल्यू दिया रहता है एंड इसके कारण दिस एंटायर थिंग बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर. क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है, उससे अगर आप एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई भी करो उसमें एक इमेजिनरी कॉम्पोनेंट रह गया तो वो अनरियल हो गया, वो पूरा चीज अनरियल हो गया. नाउ टू एन अनरियल नंबर यू आर एडिंग another real number, it will still have that unreal component or that imaginary component. तो इसीलिए complex numbers या imaginary numbers को we represent it as a plus ib form, where a and b are real numbers and i is equal to minus 1. अब ये a set में कहाँ काम आते हैं हम लोग को? Usually आपको real numbers या
इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर सम नहीं देगा, बट दे माइट गिव यू समथिंग इन मेट्रिसेस. मेट्रिसेस में एक क्वेश्चन है, उसमें आपको ऐसे एक मेट्रिक्स बना के दे देगा, 0i 0i, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया, इनटू समथिंग कर दिया और बोला कि इसका वैल्यू निकालो, या फिर ए इज इक्वल टू ऐसे दे दिया और ए ए या ए स्क्वायर निकालने बोला. तो अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल सी बहुत जगह में आई स्क्वायर आ जाएगा. आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? इफ आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? नहीं, रूट ओवर माइनस वन है, तो जैसे आप रूट ओवर माइनस वन को स्क्वायर करोगे तो सिर्फ आपका ये जो रूट है, सिर्फ ये रूट हटेगा, उसके अंदर जो नंबर है दैट रिमेन्स इंटैक्ट. जैसे अगर आप कभी भी रूट ओवर फाइव को स्क्वायर करते हो तो इट जस्ट कम्स आउट एज फाइव. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए आपके मुंह से अभी वन निकला है ना. बट हम लोग को ये देखना होगा दैट आई इज एज इट इज एन इमेजिनरी नंबर, तो उसके रूट के अंदर से हम लोग नेगेटिव नंबर निकाल ही सकते हैं, समझी? तो इसीलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स और कोई भी टॉपिक में एज सच आई हैवंट सीन द यूसेज ऑफ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट्स यूजुअली मेट्रिसेस में आता है. एंड देन सिंस ये कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट का कोई काम ही नहीं है ए सेट में, स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस, या उनको उस टाइम ये स्ट्राइक नहीं करते हैं कि आई क्या हो सकते हैं. दे कंसिडर कि आई बस एक ऐसी वेरिएबल है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर उन लोग ऑप्शन में नेचुरली जो पेपर सेटर्स है उनको भी पता है कि ये गलती हो ही सकता है, सो दे विल गिव एन ऑप्शन जहाँ पे उन लोग आई को यूज करके लिखें. बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग को पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, तो वी विल यूज दिस वैल्यू अगर कहीं पे भी आई स्क्वायर या आई आएगा तो. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ देयर आर सम बेसिक फंक्शंस. क्या फंक्शंस हैं? कुछ कुछ बहुत कॉमन फंक्शंस हैं जो बार बार आपको अलग अलग चैप्टर्स में आते रहेंगे. फॉर एग्जांपल द मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन का क्या खास बात है? मैजिक क्या है मॉड्यूलस फंक्शन में? कोई भी चीज मॉड्यूलस में जाने से उसमें क्या मैजिक होता है? हाँ बोलो. आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो भी वो मॉड्यूलस से निकलने से, सिंस अब वो मॉड्यूलस ब्रैकेट के अंदर आ गया है, इट विल कम आउट एज अ पॉजिटिव नंबर, है ना? तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज मोर देन जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो. अब इसका क्या मतलब है? आप लोग बोलोगे कि आउटपुट कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना. सच बोलो तो मेरे को भी 1 year पहले तक ये सेम डाउट था कि ये हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं जब मॉड्यूलस में कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता. बट इसका हम लोग को कंडीशन देखने का, जो एक्स का वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 3 and -3. 3 इज ग्रेटर देन 0, -3 इज लेस देन 0. हाँ, तो अगर हम लोग मॉड ऑफ दिस करें, सपोज एक्स ये दोनों वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिखने जाएंगे तो दिस विल बी ईदर मॉड ऑफ 3 या मॉड ऑफ -3, है ना? तो मॉड ऑफ 3 को तो हम लोग 3 लिखेंगे, मॉड ऑफ -3 भी 3 होगा. तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू तो -3 था, तो हम लोग इसको माइनस ऑफ -3 कर दिए, एंड माइनस इंटू माइनस हम लोग को पता है पॉजिटिव हो जाते हैं,
दैट इज वाई वी राइट दिस इन द फॉर्म एक्स इफ एक्स इज मोर देन जीरो, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका साइन हम लोग इंटैक्ट रखेंगे. लेकिन इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो एक्स के सामने एक ऑलरेडी माइनस है जिसको हम लोग को हटाना है सिंस इट्स इनसाइड द मॉड फंक्शन. तो इसीलिए हम लोग उसके आगे एक और माइनस साइन लगा देंगे सो दैट वो दोनों माइनस कट होके हम लोग को एक पॉजिटिव आउटपुट दे. आया समझ में कि ऐसे क्यों होता है? नाउ यू गेट द लॉजिक फॉर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म. अब एक बार ग्राफ देख लो. ऐसे यूजुअली ग्राफ आता नहीं है बट इट्स ऑलवेज गुड फॉर नॉलेज पर्पस इफ यू नो कि एक मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा लगेगा. आपको क्या लगता है? देखो दिस आई विल टेल यू कि ये y है, ये x है, x डैश y डैश. x वैल्यूज आर ऑलवेज दोज वैल्यूज जो फंक्शन के अंदर जाते हैं एंड y इज द वैल्यूज जो हम लोग को आउटपुट में मिलते हैं. तो यहाँ पे जो x है, जो इनपुट है हम लोग का, वो पॉजिटिव हो सकता है. पॉजिटिव मतलब ये वाला साइड. वो नेगेटिव हो सकता है. हाँ, क्योंकि इनपुट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोग कभी प्लेस ही नहीं किए. बट जो आउटपुट है विच मीन्स द y वैल्यू जो निकलेगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. क्या वो दोनों का सर हिलना बंद हो गया? नहीं हो सकते. आउटपुट कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन से नेगेटिव नहीं होगा. विच मीन्स कि ये y का नेगेटिव वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ये फंक्शन इट विल नॉट इवन स्टेप इनटू दिस एरिया. दिस एंटायर एरिया हैज y वैल्यूज नेगेटिव तो मॉड फंक्शन का ग्राफ विल नेवर स्टेप इन दिस एरिया. इट विल बी ऐसे करके. क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे प्लस थ्री है, एक्स एक्स यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे प्लस थ्री है, तो आउटपुट क्या होगा? हमेशा प्लस थ्री होगा. यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. अगर यहाँ पे सिमिलरली माइनस सेवन है और यहाँ प्लस सेवन है तो आउटपुट विल ऑलवेज बी प्लस सेवन. तो इसको इससे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे और इसको इससे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे. तो ऐसे करके एक ऐसे नॉट एग्जैक्टली इन्वर्टेड ट्राइंगल बट एक एरो टाइप का बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मॉड दिस इज द ग्राफ ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन. गंदा बनाए सेकेंड. हमेशा ऐसे बनेगा. ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का. नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ अच्छा रुको, मॉड्यूलस के लिए मेरे को पहले एक दो सम्स कराने हैं. बेसिक सम्स है. लेट्स डू ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ये मॉड के अंदर है और हम लोग को बोलना है इसका हम लोग को बेसिकली मॉड्यूलस साइंस हटाने. ठीक है. तो मॉड्यूलस साइंस कैसे हटाते हैं हम लोग? यहाँ पे हटाए थे ऐसे. हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है फंक्शन को क्योंकि अब एक्स का जो भी वैल्यूज से ये वाला चीज नेगेटिव हो जाएगा वो वैल्यूज के लिए अंदर. मतलब कि देखो सपोज सपोज लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 2.5 पे लेट्स से ये फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो जो इस फंक्शन का वैल्यू होगा उसके आगे एक नेगेटिव लगाना होगा हम लोग को क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2.5 पे फंक्शन दिस थिंग बिकम्स अ नेगेटिव नंबर. तो हम लोग को माइनस इंटू माइनस ऑफ दैट करते रहना होगा एंड एक्स का जो भी वैल्यूज के लिए दिस फंक्शन इज पॉजिटिव उसके लिए द आंसर विल रिमेन इंटैक्ट एज दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय मॉड्यूलस हटाना? मॉड्यूलस हटाने से ही यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द फंक्शन इनटू टू और समटाइम्स मे बी इवन थ्री और फोर पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग का ये फंक्शन कब कौन सा वैल्यू लेगा.
वेदर इट विल टेक अ पॉजिटिव वैल्यू और अ नेगेटिव वैल्यू. तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले इसको मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर देंगे. क्या होगा इसका फैक्टर्स, जल्दी से बोलो. मिड टर्म ब्रेक आते हैं दोनों को 2 और 3. 2 और 3. कभी भी फैक्टराइजेशन में 2 और 3 मत बोलना, मतलब अभी यू आर टेलिंग मी तो इट्स ओके. हाँ, बट वाइल राइटिंग ऑलवेज राइट इट इन फैक्टर फॉर्म. एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. अब हम लोग चेक करेंगे, अब सिंस ये फैक्टर फॉर्म में आ गया है तो ये वाला ब्रैकेट एक वैल्यू लेगा और ये वाला ब्रैकेट एक वैल्यू लेगा. इंडिविजुअली बोथ द ब्रैकेट्स कैन ईदर बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव. तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो हम लोग का पूरा जो फंक्शन है या पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा. इफ बोथ टेक अ नेगेटिव वैल्यू देन ये भी पॉजिटिव होगा. If either is positive and the other one is negative, then हम लोग का फंक्शन माइनस में चला जाएगा, है ना. तो मतलब कि ये दोनों केसेस में हम लोग का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, और ये दोनों केसेस में आर आंसर्स विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 का नेगेटिव, राइट. तो अब ये कौन सा नंबर्स है या कौन सा रेंज है जिसके लिए ये सब कंडीशंस होंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा. ये वाला जो है x माइनस टू, ये नेगेटिव कब होगा, जब x क्या हो, 2 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, इक्वल टू 2 हो. स्मॉलर देन 2. स्मॉलर देन टू, स्मॉलर देन टू होने से एक्स माइनस टू नेगेटिव. स्मॉलर देन टू है तो ये नेगेटिव छोड़. अब एक्स माइनस थ्री कब नेगेटिव होगा, जब एक्स लेस देन टू है तब क्या एक्स माइनस थ्री नेगेटिव होगा. लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, 1, ठीक है, 1 इज लेस देन 2, 1 को पुट इन करके देखो, 1 माइनस 3 क्या कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं, तो ये भी नेगेटिव होगा, व्हिच मींस हम लोग का जो आउटपुट है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स लेस देन 2, है ना. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स ग्रेटर देन 2. अब x greater than 2 में हम लोग को देखना होगा कि टू टाइप्स का हो सकता है. एक है कि वो 2 से तो बड़ा है बट वो 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली. एज लॉन्ग एज x इज मोर देन 2, जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. लेकिन जो सेकेंड नंबर है इट विल डिपेंड कि वो 2 से कितना बड़ा है. अगर वो 2 और 3 के बीच में 2.5 हो, 2.75 हो, 2.6 हो, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन सपोज वो 2 से इतना बड़ा है कि वो 4 हो जाए तो ऑटोमेटिकली x माइनस 3 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. तो आर रेंज विल बी कि x इज मोर देन 2 बट इट इज लेस देन 3, नहीं तो x इज ग्रेटर देन 3 ऑल्सो. तो ये 3 हम लोग का केसेस बन रहा है ना. अब इस केस में क्या होएगा, इस केस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2.5. 2.5 हम लोग पुट इन करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 0.5 हो जाएगा, और ये वाला लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि ये माइनस 0.5 हो जाएगा, राइट. 2.5 माइनस 3 विल गिव अस माइनस 0.5, और x इज मोर देन 3, लेट्स से 4. अब तुम लोग बताओ क्या क्या वैल्यू होगा x माइनस 2 का, माइनस 3 का और आउटपुट का. क्या होगा बोलो, x इज इक्वल टू 4, इट्स
क्या चीज, कौन सा वाला? थ्री कॉलम्स है, तीनों कॉलम्स को फिल करना हम लोग को। ये ऑल थ्री आर पॉजिटिव। प्रियांशु तुमको क्या लगता है? मैम अगर x 4 होगा तो तीनों कॉलम्स पॉजिटिव ही होंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ, अब एक और चीज देखो। खैर यहाँ पे वो इतना मैटर नहीं करेगा कि अगर x इक्वल टू 2 हुआ, इफ x इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि माइनस जीरो की प्लस जीरो इज द सेम थिंग। तो यू कैन पुट द इक्वल टू वाला साइन इन ईदर ऑफ द टू। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 3 है तो भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे भी इक्वल टू दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये वाले में भी दे सकते थे और ये वाले में भी दे सकते थे। हम लोग कहीं भी दे, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि वो इक्वल टू होने से जीरो हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन वॉज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें से हम लोग को मॉड हटाना था। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फॉर व्हाट वैल्यूज? ये कब होगा और ये कब होगा? ऊपर वाला होगा जिसमें जो एकदम रॉ फंक्शन है, रॉ एक्सप्रेशन है जिसमें, ये दोनों केस में, क्योंकि ये दोनों केस में वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। एंड हम लोग ऊपर देखे थे कि जिस केस में वो ग्रेटर देन जीरो होता है उसमें रॉ एक्सप्रेशन आ जाता है ना? तो ये दोनों केस क्या है? दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स इज ग्रेटर देन 3। और ये जो रिमेनिंग केस है विच इज एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3, राइट? तो x जब 2 और 3 के बीच में है तब वो ये वैल्यू लेगा फंक्शन, और जब x 2 से कम है या 3 से ज्यादा है देन इट विल टेक दिस वैल्यू। ठीक है, एक होमवर्क दूं आप लोग को इसके लिए। ये आप लोगों को होमवर्क में करना है ये सब, ठीक है? ए सेट में कभी भी आपको सॉल्व करके लिखने नहीं आएगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट इनिशियली सिर्फ 1-2 सम्स आप एक बार अच्छे से स्टेप वाइज लिख के करो, ताकि बाद में बाय द टाइम द एग्जाम कम्स तब तक इतना सारा चीज हम लोग कर लेंगे कि यू विल फॉरगेट। अगर आप रफली खाली ये कर लिए तो यू विल फॉरगेट बाय देन कि हम लोग कौन सा स्टेप्स यूज करके इस तक पहुंचे थे, तब फिर दिमाग काम नहीं करेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इनिशियली फर्स्ट 1-2 क्वेश्चंस यू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, एंड देन बाद में व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रॉपर तब तो बिल्कुल सोचना ही मत, जस्ट डू इट एज इफ यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम। आपको बस वो 2 शीट्स मिलेंगे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको एकदम छोटा छोटा स्टेप्स कर करके यू हैव टू गेट द आंसर, ठीक है? तो ये आप लोग होमवर्क में करना। अब एक और फंक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करें कि आज ही करना है? I have no problem. Priyanshu? Ma'am, even I don't have any problem. कर ले अभी? ठीक है, let's do one more function. Last function आज का is the box function. कुछ भी नहीं है इसमें, really nothing. कोई as such इतना great sum भी नहीं आता है, बट कभी भी कुछ भी आ सकता है। दिस इज एक्चुअली
दिस इज आई ए आई, दे कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट. तो ये है बॉक्स फंक्शन, या फिर ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. कोई जानते है ये क्या होता है? कभी देखा हो? एनी वेग आइडिया ऑल्सो कि बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? If x is like just like the number decimal number, then suppose it is x is 2.5, then the output is 2. ठीक है. इफ एक्स इज 2.8, Again 2. 2.1, 2. 1.9. 1. ठीक है, प्रियांशु को लग रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं. नाउ आई विल से इट इज द नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, फंक्शन. ओ तब ठीक है, मालूम ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कि इसके अंदर आप कुछ भी डालो, जैसे मॉड्यूलस का मैजिक था कि उसके अंदर कुछ भी डालो वो पॉजिटिव होके निकलेगा, इसके अंदर आप कुछ भी डालो वो एक इंटीजर होके निकलेगा. अब इंटीजर्स तो खाली 1, -10, -9 ये सब होते हैं, या +1, 0 ये सब हो सकता है. इट के नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन वेयर क्यू इज नॉट 1. तो सपोज हम लोग इसमें डालेंगे अगर 3.5. बहुत लोग सोचेंगे कि सिंस ये बॉक्स फंक्शन है इट इज द सेम एज राउंडिंग, मतलब जस्ट बिकॉज हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू निकालना है वी विल राउंड इट ऑफ. राउंड ऑफ करने से क्या आएगा? 3.5 राउंड ऑफ करने से 4 हो जाएगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर. लेकिन ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है. इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो उस नंबर के पहले आया हो. मतलब कि ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पर अगर 4 है, इस पूरे रेंज में एक्सेप्ट 4, इस पूरे रेंज में कोई भी नंबर अगर लाई करेगा, तो द इंटीजर जो इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अभी तक वो क्रॉस किया हो, दैट इज द आउटपुट ऑफ द बॉक्स फंक्शन. तो इवन इफ इट इज 3.99999, वो 4 से मतलब बस इतना दूर है, इट विल स्टिल गिव एन आउटपुट ऑफ 3, क्योंकि वो अभी तक 4 को क्रॉस नहीं किया है या 4 को टच नहीं किया है. द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इट हैज क्रॉस्ड इज 3. ओके. सिमिलरली एक थोड़ा ट्रिकी चीज होता है इसमें, अगर ये -3.8 है तो इसका आउटपुट क्या होगा? इंटीजर होगा पता है, 4 होगा या 3 होगा या -3 होगा या -4 होगा, बट कौन सा वाला होगा इन चारों में से? ट्राई टू इमेजिन द नंबर लाइन. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, इस साइड से अपने को माइनस मतलब फोर हो जाएगा। -4. क्यों? मैम क्योंकि वो लाइक -3 क्योंकि वो हम लोग लाइक हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, तो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो -4 आएगा, हाँ फिर माइनस माइनस फोर थ्री हो फिर -2. तो अगर कोई नंबर यहाँ पे है, 3.8 तो होगा 3.8, 3.8 विल बी समवेयर अराउंड योर -3.8, आई मीन है ना, एकदम जस्ट -3 के इस तरफ और -4 से जस्ट पहले यहाँ पे 3.8 होगा. तो व्हेन इट वाज कमिंग दिस साइड, तो अभी तक -3 तो रीच ही नहीं किया, इट हैज क्रॉस्ड -4, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इट हैज क्रॉस्ड, क्योंकि उसके नीचे तो जो जीरो है, -5 है, -6 है, वो सब तो उससे भी छोटे है. तो दिस विल गिव मी एन आउटपुट ऑफ -4. ओके, लॉजिक समझ आया? तो ये चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि आप माइनस को भूल जाओ और खाली 3.8 समझ के -3 लिख दो या +3 लिख दो.
ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू इमेजिन दिस नंबर लाइन. ईजीएस्ट वे है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, जो भी नंबर है बॉक्स के अंदर उसको मार्क करो एंड इमेजिन एज इफ यू आर जस्ट अप्रोचिंग लेफ्ट टू राइट. एंड जो भी सबसे लास्ट इंटीजर क्रॉस होएगा बिफोर दैट पॉइंट, दैट इज योर बॉक्स फंक्शन का आउटपुट. ठीक है, क्वाइट ईजी. बस ये नंबर लाइन वाला चीज हमेशा याद रखना. 1.15 का बॉक्स क्या होगा? प्रियांशु, मैम वन. वेरी गुड. ठीक है, तो बॉक्स फंक्शन क्लियर हो गया. बाकी जो फंक्शंस हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. ओके, कोई भी डाउट, आज हम लोग क्या क्या किए एक बार वील जस्ट समिट अप. हम लोग राउंड ऑफ किए, राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग में हम लोग टू कॉन्सेप्ट किए, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 5 वाला. क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने से अगर नेक्स्ट नंबर है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हायर डिजिट, एंड इफ इट इज लेस देन 5 सेम डिजिट. और दूसरा हम लोग किए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट. सिग्निफिकेंट फिगर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज हाँ ठीक है प्रिया जी, नॉन जीरो, ये कभी मत भूलना. नेक्स्ट हम लोग किए सारा नोटेशंस, आर किए, जेड किए, एन, डब्ल्यू. आर इज रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, जेड इज इंटीजर्स, एन इज नेचुरल एंड डब्ल्यू इज होल. ऊपर में सब सुपरस्क्रिप्ट में अगर प्लस साइन है इट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर नेगेटिव है तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स या ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. ये साइन क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, दोनों जन माइक ऑन कर लो और जल्दी जल्दी बोलो. ये साइन इज फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू. और क्या किए थे हम लोग, ये ब्रैकेट मतलब नॉट इंक्लूसिव ऑफ द लोअर लिमिट. ओपन नहीं, अपर लिमिट में भी हो सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ऐसे या इट कैन ऑल्सो बी ऐसे या ऐसे. लिमिट को दिखाने के लिए ये टू टाइप्स का ब्रैकेट यूज होता है, जिस साइड पे भी है. हाँ इसका मतलब, या फिर इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट है वेयर जिस भी साइड में है इट इज इंक्लूसिव. ये मतलब इंक्लूसिव, ये मतलब एक्सक्लूसिव. ठीक है, सच दैट, सच दैट. और हम लोग क्या किए, मॉड्यूलस फंक्शन किए. मॉड्यूलस फंक्शन इज एक्स एंड माइनस एक्स. बॉक्स फंक्शन किए विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. और इसमें हमेशा हम लोग नंबर लाइन मेथड यूज करेंगे. ऐसे आफ्टर प्रैक्टिस यू विल नॉट नीड टू मेक द नंबर लाइन ऑल्सो, लेकिन इनिशियली कभी भी अगर कंफ्यूजन हो देन यू ऑलवेज हैव द नंबर लाइन मेथड टू फॉल बैक ऑन. और हम लोग कुछ किए आज के क्लास में, कुछ भी इन सब में से किसी भी चीज में कोई भी डाउट, छोटा सा भी कोई डाउट, कुछ भी लग रहा हो कि वापस रिपीट करना है? भाव्या? नो मैम, सब समझ में आ गया? या एक सेकेंड.